आज के व्लॉग में बनाएंगे मंडाला पेंटिंग। जैसे मैंने प्रीवियस दो व्लॉग्स में भी मंडाला पेंटिंग बनाई थी तो उसमें थोड़ा डिटेल में बता रखा है, तो वो देख सकते हैं। उसका मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में, तो वहाँ से आप डिटेल अगर वीडियो देखना है तो उसमें देख लेना। आज तो मैं थोड़ा फास्ट बता दूँगी कि कैसे मंडाला पेंटिंग बनानी है। बेसिकली आज हम पैटर्न देखेंगे कि आप कहाँ सेमी सर्कल, जैसे हम अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं। सर्कुलर पेंटिंग होती है मंडाला पेंटिंग, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सेंटर में ही सर्किल बनाएँ, हम सेमी सर्कल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे हम अलग पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, और आज जैसे पिछली बार एक फ्यूजन पेंटिंग बनाई थी मंडाला, जिसमें कलमकारी यूज़ करी थी बीच में, तो मतलब गणेश जी बनाएंगे पेंटिंग में और फिर मंडाला का डिज़ाइन डाल देंगे सारा। तो देखते हैं अभी कैसे बनेगी। पेंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पेन कौन सा यूज़ कर रहे हो। जितना फाइन पेन होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और पेन ऐसा होना चाहिए जो एकदम स्मूथ हो। जैसे ही आपने पेपर में ड्रॉ करना स्टार्ट करा पेन से, तो वो स्टॉप नहीं होना चाहिए बीच में, क्योंकि अगर वो एक ही बार स्टॉप हो गया बीच में तो वो डैश डैश वाला निशान आ जाएगा, तो फिर वो फिनिशिंग नहीं दिखती पेंटिंग में। तो कोई भी ब्रांड का पेन लो आप, सस्ता महंगा कैसा भी, पर उसमें स्मूथनेस होनी चाहिए, वो पेपर पर एकदम फास्ट अच्छे से चले। तो वही है, अब देखते हैं पेंटिंग कैसे बनाएंगे आज। तो अभी जो मंडाला पेंटिंग हम बना रहे हैं, तो इसे आप कलर शीट पे भी बना सकते हो। जैसे वाइट कलर के चार्ट पेपर पे बनाते हैं, और जो हम फोल्डर लेते हैं उस पर बना सकते हैं, स्केच बुक लेते हैं उस पर बना सकते हैं, और जो कलर पेपर आते हैं उनमें भी बना सकते हैं इसे, और चार्ट कलरफुल चार्ट पेपर और हैंडमेड शीट पर भी बना सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कैसी शीट पर इसे बना सकते हैं। तो इस तरह की जो शीट है इस पर भी बना सकते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में सीखना है तो इस तरह की कलरफुल शीट आती हैं, तो इन पे भी बना सकते हैं। तो ऐसी है ये, जैसे इसमें डिफरेंट कलर आते हैं, ये सेट आ जाता है शीट का, ये ऐसे है, ब्लू है। तो इस तरह की जब डार्क शीट पे बनाते हैं, जो ऐसी ब्लू ब्लैक ग्रे कलर की शीट्स होती हैं, तो इन पे जैसे ब्लैक कलर तो दिखेगा नहीं ब्लैक पेन से, तो इसमें हम ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर गोल्डन, तो ग्लिटर पेन से बना सकते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये शीट भी बना सकते हो आप, बाकी तो मिल जाती है ये इजीली, सेट आता है 25 शीट्स का आता है सेट, तो उस पर बना सकते हो आप। तो इस तरह से मंडाला पेंटिंग को आप किसी भी डिफरेंट टाइप के टेक्सचर वाले पेपर पे बना सकते हो, हैंडमेड शीट पे भी बना सकते हैं। तो बस वही है कि जैसे पैटर्न आपकी क्रिएटिविटी जाती है उस हिसाब से आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम ये वाली मंडाला पेंटिंग बना रहे हैं, तो इसका पैटर्न ऐसा है। तो मैंने यहाँ 10-10 सेंटीमीटर का गैप दिया है, बीच में प्रोटेक्टर रखा, सर्किल है, यहाँ सेंटर में प्रोटेक्टर रखना है और 10-10 सेंटीमीटर का गैप लेना है, और फिर यहाँ से इस लाइन को इससे ऐसे जोड़ देना है। सेम प्रोसेस इस वाले सेमी सर्किल में भी करनी है, इस पर भी और ऊपर वाले में भी, और ये बन जाएगा। तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, ऐसे करनी है लाइन ड्रॉ, इसमें भी 10-10 सेंटीमीटर का गैप देना है और फिर स्ट्रेट लाइन खींच देनी है सेंटर पॉइंट से। तो यहाँ पे भी, तो यहाँ मैं भूल गई थी मुझे गणेश जी बनाने हैं यहाँ पे, तो गणेश जी बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक सर्किल बना दूँगी और फिर उस पर गणेश जी बनाऊँगी। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर पहले 1 सेंटीमीटर का सर्किल बनाना है, फिर 2 सेंटीमीटर सेंटर पॉइंट से। अब हमें सेंटर पॉइंट से, जैसे पहले हम 1 सेंटीमीटर का सर्किल बनाएंगे, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे करेंगे, और ऐसे ही इस वाले पे भी करेंगे, 1 सेंटीमीटर का सर्किल बनाएंगे, फिर 2, 3, 4 ऐसे बढ़ाते रहेंगे। तो पेंसिल से अब ऐसे ड्रॉ हो जाएगी प्रोटेक्टर यूज़ करने के बाद। अब हमें क्या करना है, इसमें डिज़ाइन फिल करना है पूरे में। जैसे यहाँ गणेश जी बना दिए, यहाँ पर अब डिज़ाइन बना देंगे, जैसे प्रीवियस मंडाला पेंटिंग्स में बनाया वैसे ही। तो यहाँ पर अब ये जो है ब्लॉक्स ले लेंगे, यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक लाइन और ऐसे आर्क दे सकते हैं ताकि दो डिज़ाइन निकल जाए। तो इस पूरे ये जो ब्लॉक है इसको हम हाफ में भी डिवाइड करके आर्क दे सकते हैं। तो अब इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो जो मंडाला पेंटिंग हम बना रहे थे, जिसमें मैंने यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाया है, तो ये वाला सेमी सर्कल और ऊपर वाला सेमी सर्कल सेम साइज़ का है, और इधर वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेम साइज़ का है। तो बीच में जैसे गणेश जी बना दिए मैंने,
ठीक है। तो गणेश जी बनाए यहाँ पे, और फिर जो सर्किल थे उसमें एक एक ब्लॉक लिया और ऐसे डिज़ाइन बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप नोटिस करोगे, यहाँ तो मैंने सारे वन वन ब्लॉक लिया है, जहाँ पे ये एक ब्लॉक है उसमें डिज़ाइन बनाया है। थोड़ा क्लोजअप दिखाती हूँ, तो ये एक ब्लॉक है पूरा, इस पर एक डिज़ाइन बनाया, ये पूरा एक ब्लॉक है इस पर डिज़ाइन बनाया। फिर यहाँ जब ऊपर गए तो जैसे मैंने क्या किया, वन और टू ये दो ब्लॉक है, उनमें मैंने इस तरह का डिज़ाइन बना दिया। ठीक है, फिर जब वो स्पेस ये सब बना दिया तो ये जो स्पेस बची थी इसमें इस तरीके का डिज़ाइन कर दिया। तो हमें ये वाली लाइंस तो ड्रॉ नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये हमें कितना पार्टीशन देना है, कितना गैप देना है वो बता देता है डिज़ाइन में। तो इस तरीके से बनाना है। तो अगर आपका भी हाथ सेट नहीं हो मंडाला पेंटिंग में, तो जैसे ये मैंने डिज़ाइन अभी सेट कर लिया कि मुझे ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाना है, तो बाकी की मैंने बाउंड्री बना दी पेंसिल से। तो ऐसे आप भी पेंसिल से बना सकते हो। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी बना लूँगी, ऐसे ये वाला साइड भी बनाया, इसमें मैंने एक एक ब्लॉक में इस तरीके से पत्ती 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 बना दी, और ऊपर से मैंने इधर से दो दो ब्लॉक लेना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे दो लिए, यहाँ पे दो लिए, यहाँ पे दो लिए, तो ये देख के ऐसे पता चल जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डिज़ाइन फिल करना है, और ये वाली लाइंस जो है इनको तो हम मिटा देते हैं। अब ये जो सेमी सर्कल है इसका हमने डिज़ाइन पैटर्न डिसाइड कर लिया है कि कैसे कैसे हमें इसमें फिलिंग करनी है, हर एक ब्लॉक में जो डिज़ाइन बनाया है उसमें। जैसे इधर है सेंटर पॉइंट, इधर है और ये है, तो यहाँ पे मुझे एक पत्ती वाला शेप बनाना है, तो ऐसे कर दिया मैंने, इसे मार्क कर दिया। फिर इस वाले को ये कर दूँगी, तो ये पूरा कंप्लीट ऐसे ही कर देना है। अब पेंटिंग ड्रॉ हो चुकी है, तो मैंने पेंसिल से थोड़ा इसकी बाउंड्री कर ली और डिसाइड कर लिया है कि कौन कौन सा पैटर्न डालना है बीच बीच में। तो ये है, और मैं इसमें लग्जर के पेन यूज़ कर रही हूँ, कलर पेन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अब वाइट शीट पे बनाएंगे जिसका बेस वाइट रहेगा, तो कलर पेन यूज़ कर रही हूँ। तो ये इस तरीके से है, इतनी बन चुकी है मंडाला पेंटिंग। तो हम कलरफुल बना रहे हैं, तो ऐसे हमने बॉर्डर कर दिया और फिर इस तरीके से फिलिंग कर लेंगे। कोई भी कलरफुल जेल पेन यूज़ कर सकते हो आप। तो ऐसे बाउंड्री बना के डिसाइड कर लिया कि कैसे करना है। तो ये अंदर गणेश जी है, तो इसमें मैं पोस्टर कलर यूज़ करूँगी, क्योंकि जेल पेन से फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम ये दो भी बना लेंगे और अंदर फिलिंग कर लेंगे इसकी।
हैं।